Hello students, here in this lecture we will discuss about the efficiency of the given transformer. यहाँ पर देखिए efficiency क्या होता है, यहाँ पर statement लिखा हूँ efficiency का, that is efficiency is the ratio of the output power to the input power. Efficiency क्या होता है, ratio of the output power to the input power. जैसे कि इसके पहले lecture में आपने देखा होगा voltage regulation के बारे में, जैसे कि मैं voltage regulation के बारे में बात किया था, तो वहाँ पर एक problem लिया था, that is efficiency वहाँ पर पूछा गया था, to find the efficiency. तो आपने कैसे find किया था, output power that is P0 divided by PI. सेम ऐसे ही फाइंड किया था. अब नाउ यहाँ पर मैं डिराइव करूंगा इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज मैक्सिमम इफिशियंसी को डिराइव कैसे करते हैं यहाँ पर मैं बात करूंगा. तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी को डिराइव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी को आप मॉडिफाई किस फॉर्म में कर सकते हो, एंड नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी फाइंड करना है. तो नाउ सबसे पहले देखिए इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर होता है, राइट. तो इसे डोनेट कैसे करते हैं, आई होप कि आपको पता होना चाहिए डोनेट कैसे करते हैं. ईटा के द्वारा डोनेट किया जाता है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बात किया था आपको, इट इज डोनेटेड बाय ईटा. इस फॉर्म में आपको डोनेट करना पड़ेगा, दैट इज इफिशियंसी जब भी पूछा गया तो आपको इससे ही डोनेट करना है, ईटा के द्वारा, दैट इज एन द्वारा डोनेट करते हैं, बट इसे ईटा नाम दिया गया, राइट. तो इफिशियंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर. नाउ इसको मैं फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपको, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ये है आपका आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यही होता है डेफिनेशन. आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज नथिंग बट इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर. नाउ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, तब इसे थोड़ा मॉडिफाइड करना है, तो मॉडिफाइड आप किस फॉर्म में कर सकते हो, आप इसको देखिए आउटपुट अब नाउ इनपुट को किस फॉर्म में लिख सकते हो, इनपुट को आप लिख सकते हो आउटपुट प्लस लॉसेस. अब बोलोगे यह कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इनपुट इज नथिंग बट आउटपुट प्लस लॉसेस. अगर आप किसी ट्रांसफार्मर में अगर आप कुछ इनपुट पावर दे रहे हो, ठीक है, तो इनपुट पावर दोगे तो उसका कुछ आउटपुट निकलेगा, तो वो आउटपुट क्या रहेगा, वो आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट प्लस लॉसेस. तो उसी को कुछ तो लॉस होगा, क्योंकि अगर इनपुट दोगे 20% तो ऑब्वियसली कुछ तो लॉस होगा, दैट इज 0.001% का भी लॉस होगा, मतलब कुछ तो कुछ लॉस होगा, तो यही लॉस होता है, दैट इज आउटपुट प्लस लॉसेस. अब नाउ लॉस कौन सा होता है, आपको लॉस दैट इज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. लॉसेस किस फॉर्म में होता है, दैट इज आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, दैट इज इस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज आउटपुट क्या रहेगा आपका, आउटपुट प्लस लॉसेस. लॉसेस इज नथिंग बट आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, राइट. तो ये हो गया आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. इसे थोड़ा आपने मॉडिफाइड किया, लॉसेस को आपने आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस लिख दिया. अब नाउ आप इसको सेम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, किस फॉर्म में, दैट इज ईटा इज इक्वल टू आउटपुट, अभी आपने किसको चेंज किया, इनपुट पावर को. अब नाउ आउटपुट पावर को चेंज करना है इनपुट में, तो कैसे चेंज करोगे, दैट इज आउटपुट इज नथिंग बट इनपुट माइनस लॉसेस. इनपुट क्या था, आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, बट आउटपुट पावर अगर निकालना है इनपुट के फॉर्म में, तो इनपुट माइनस लॉसेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट पावर मिल जाएगा. अब नाउ दिस इज इनपुट, तो सेम आपको इनपुट यहां पर लिखना है, राइट. अब नाउ इनपुट माइनस लॉसेस, सेम लॉसेस क्या रहेगा आपका, आयरन लॉस इन कॉपर लॉस, तो सेम यहां पर आपको लिखना है आयरन लॉस, दैट इज माइनस टाइम्स हो जाएगा आयरन लॉस माइनस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस. अब आपको पता होना चाहिए कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस क्या होता है, अगर नहीं पता होगा तो इसके पहले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया कि आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस होता क्या है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो. तो ये हो गया नीटा इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस, क्या किया आपने, आउटपुट को चेंज किया इनपुट माइनस लॉसेस. लॉसेस क्या होता है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, ये आपको याद रखना पड़ेगा. लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में लॉस दो ही लॉस होता है, दैट इज आयरन लॉस एक तो होता है, और सेकेंड क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, राइट. अब ना इसके बाद क्या करना है आपको, इफिशियंसी, अब ये हो गया इफिशियंसी का डेफिनेशन, और इसका आपने मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया, दैट इज लॉसेस को खाली आपको याद रखना है, लॉसेस को आपने क्या चेंज किया, आयरन लॉस इन कॉपर लॉस, ये खाली आपको याद रखना है, एंड सब आपको
वही है आपको जो आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आपने सिर्फ मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके लॉसेस की जगह पे आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस यूज किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इफिशियंसी ऑफ द गिवन ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर जो लॉस होता है वो लॉस किस फॉर्म में होता है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस के फॉर्म में होता है, राइट। अब ना इसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो कि न्यूमेरिकल में आपको आगे काम आएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रूफ आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको प्रूफ पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको प्रूफ पूछा जाता है दैट इज 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए, तो आपको कैसे प्रूफ को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइंडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका यूज करोगे, सेम फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा आपको, जो आपको नीटा डेफिनेशन का स्टेटमेंट दिया है सेम स्टेटमेंट का यूज करके आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो नीटा इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या दिया है आपको, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, राइट। और इनपुट पावर क्या होता है आपका, आउटपुट प्लस लॉसेस, राइट। आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो सेम यहाँ पर लिखना है आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या होता है, इनपुट, इनपुट पावर। बट इनपुट क्या होता है आपका, आउटपुट प्लस लॉसेस, मतलब इनपुट पावर अगर दोगे तो उसका कुछ आउटपुट मिलेगा प्लस कुछ लॉस भी होगा, तो यही यहाँ पर लॉस होगा। लॉस क्या होता है आपका, आयरन लॉस इन कॉपर लॉस, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट प्लस लॉसेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा आपका, लॉसेस आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस क्या होता है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दैट इज नीटा। बट मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए तो यहाँ पर सब्स्क्रिप्ट में आपका मैक्सिमम हो जाएगा दैट इज ईटा मैक्स इज इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर ये पावर है, आउटपुट पावर है, पता होना चाहिए यहाँ पर आउटपुट पावर है, तो आउटपुट पावर का क्या होता है, पावर का डेफिनेशन क्या होता है, वी टू एन आई टू, राइट, वी इंटू आई। बट आउटपुट है मतलब कि सेकेंड इनपुट क्या होता है, वी वन आई वन, तो अगर आउटपुट क्या हो जाएगा, वी टू आई टू, तो यहाँ पर आउटपुट पावर इज नथिंग बट वी टू आई टू इंटू कॉस फाइ टू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आउटपुट पावर हमेशा कॉस के एंगल के फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज फाइव फैक्टर भी रहेगा आपका। तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, फाइव इज द फेज डिफरेंस, तो वी टू आई टू इंटू कॉस फाइव टू डिवाइडेड बाय आउटपुट सेम वी टू आई टू इंटू कॉस फाइव टू रहेगा, राइट। एंड लॉसेस, लॉसेस में क्या है आपका, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, दो लॉस हो रहा है, तो आयरन लॉस के लिए आपको सेम यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आयरन लॉस दैट इज आयरन लॉस डब्ल्यू आई प्लस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस आपको कितना रहेगा आपका, आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन। ये जो कि आपने इसके पहले लेक्चर में आपने कैलकुलेट कर किया था, जो कि क्वेश्चन अब जब भी सॉल्व किए थे हम लोग ने, तो वहां पर आपने देखा होगा कॉपर लॉस का फॉर्मूला आपने आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन लिया था, तो सेम यहाँ पर यही डेफिनेशन है दैट इज डब्ल्यू आई प्लस आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, राइट। अब ये हो गया नीटा मैक्स दैट इज वी टू आई टू कॉस फाइव टू फॉर द आउटपुट पावर के लिए, आउटपुट वी टू आई टू कॉस फाइव टू प्लस लॉसेस क्या होता है, आयरन लॉस इन कॉपर लॉस, आयरन लॉस इज नथिंग बट डब्ल्यू आई प्लस कॉपर लॉस क्या होता है आपका, आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, राइट। आर नॉट वन, आर नॉट वन क्या होता है, जो कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वहां पर मैंने आपसे बात किया था आर नॉट वन से रिलेटेड। तो नाउ यहाँ पर जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर फिर से आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि एक्चुअल में ये सब क्या होता है एंड आगे भी बात करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेशन की बात करते हैं, यहाँ पर तो डेराइव कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको ये मिल गया। अब नाउ फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको पता होना चाहिए किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, तभी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम कब मिलता है, जब मैक्सिमम कब आएगा फाइन मिलेगा, मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आप इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू जीरो करोगे तभी मिलेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, आई टू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर याद रखना है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी सिंस वी हैव फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना है, डी ईटा डिवाइडेड बाय डी आई टू इज इक्वल टू जीरो,
इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। I2 के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है इज इक्वल टू जीरो। अब ना इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव करने के लिए बहुत इजी है, आसान तरीका है फ्रेंड्स। खाली आपको डेरिवेटिव यू बाई वी का डेरिवेटिव करना है, दैट इज दिस इज अ यू एंड दिस वन इज अ वी। तो नाउ यहाँ पर देखिए मैं डेरिवेटिव करता हूँ, दैट इज डी ईटा डिवाइडेड बाई डी आई टू। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, यू बाई वी का डेरिवेटिव अगर करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, v that is nothing but this one, that is v2 i2 into cos phi 2 plus wi plus i2 square into r0 1, right? v2 into derivative of u, right? Derivative of u, तो इसका derivative with respect to i2 क्या हो जाएगा, that is v2 cos phi 2, क्योंकि i2 का derivative क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप i2 के respect में derivative कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 and v2 cos phi 2 minus, that is v2 derivative of u minus u क्या है आपका v2 i2 minus v2 i2 into cos phi 2 and derivative of v, तो derivative of v with respect to i2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v2 cos phi 2 v2 cos phi 2, क्योंकि i2 का derivative 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा wi क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि i2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना मतलब wi यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज प्लस 0 प्लस i2 के रिस्पेक्ट में यहां पर डेरिवेटिव करना दैट इज 2 i2 स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स i2 इनटू r0 1, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय क्या होता है v स्क्वायर दैट इज दिस वन स्क्वायर, दैट इज v2 i2 cos phi 2 प्लस wi प्लस i2 स्क्वायर इंटू r0 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको डेरिवेटिव जो कि आपको करना था d नीटा अपॉन i2 के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहां पर क्या, लेट से दिस इज द u एंड दिस इज द v, इसका डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव किस फॉर्म में, u बाय v, दैट इज इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय क्या होता है v स्क्वायर होता है ये, तो ये फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर यूज किया गया। अब ना आगे क्या करना है, आगे अब आपको पता है डी नीटा अपॉन डी आई टू जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, राइट। अगर ये इक्वल टू जीरो है मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा मतलब कि आपको मिलेगा v2 i2 cos phi 2 plus wi plus i2 square r0 1 and this v2 cos phi 2, यहां पर भी सेम v2 cos phi 2 आपको गिवन है इंटू आई टू बी टू कॉस फाइव टू प्लस टू आई टू इंटू आर नॉट वन। अब ना इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपको जीरो करना है, राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा ओनली न्यूमरेटर। तो नाउ देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, दैट इज v2 i2 cos phi 2, सेम यहाँ पर मिलेगा v2 cos phi 2 माइनस v2 i2 cos phi 2 दिस, एंड डिनोमिनेटर जो रहेगा यहाँ का जीरो हो जाएगा, तो ये दिस इज इक्वल टू जीरो। अब नाउ इसे सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब लास्ट काम क्या, आपको सिंप्लीफाई करना है एंड आयरन लॉस आपको मिल जाएगा। आयरन लॉस अगर एक बार मिल गया तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी तो आपको पता है तो वो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 cos phi 2 यहाँ पर है एंड v2 cos phi 2 यहाँ पर है। आप कॉमन लोगे दोनों में, अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से v2 cos phi 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। तो राइट यहाँ पर देखिए मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, v2 cos phi 2 v2 i2 cos phi 2, ये देखिए यहाँ पर कॉमन लोगे तो ये भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज v2 i2 cos phi 2 प्लस wi प्लस i2 स्क्वायर इंटू r0 1, ये हो गया आपका ये वाला। अब ना यहां से अगर कॉमन लोगे v2 cos phi 2 तो बचेगा क्या, i2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस i2 अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम v2 i2 cos of phi 2, राइट, फिर माइनस i2 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम्स 2 i2 स्क्वायर इंटू r0 1, राइट, दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि i2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस टाइम्स तो v2 i2 cos phi 2 माइनस i2 अगर यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 टाइम्स i2 स्क्वायर इंटू r0 1।
अब ना इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब वी टू कॉस फाई टू यहाँ पर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एंड वी टू वाई टू कॉस फाई टू एंड माइनस प्लस वी टू वाई टू कॉस फाई टू माइनस वी टू वाई टू कॉस फाई टू गेट कैंसल, और यहाँ पर क्या रहेगा दैट इज ये भी वी टू कॉस फाई टू यहाँ पर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, एंड दिस वन गेट कैंसल, तो यहाँ से मिलेगा दैट इज डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई, एंड यहाँ पर क्या रहेगा प्लस आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन माइनस टू टाइम्स आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब यहाँ से प्लस वन माइनस टू करोगे तो माइनस वन मिलेगा, दैट इज माइनस टाइम्स आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आयरन लॉस मिल जाएगा दैट इज डब्ल्यू आई इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, एंड दिस डब्ल्यू आई इज नथिंग बट आयरन लॉस, ये क्या होता है आपका आयरन लॉस देता है, तो आयरन लॉस कितना हो जाएगा एंड दिस इज अ आयरन लॉस, आपको क्या कॉपर लॉस पता था, कॉपर लॉस क्या था आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू, क्या था आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू कॉपर लॉस था, यहाँ पर आयरन लॉस क्या मिल गया आपको आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, ये हो गया कॉपर लॉस आयरन लॉस सॉरी आयरन लॉस ये मिल गया, ये हो गया आयरन लॉस फॉर द किसके लिए फॉर सेकेंडरी साइड के लिए, सेम अगर प्राइमरी साइड के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्राइमरी साइड के लिए कैलकुलेट कैसे करोगे, दिस इज फॉर सेकेंडरी साइड, मतलब ये आयरन लॉस क्या हो गया आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन क्या हो गया सेकेंडरी साइड के लिए हो गया, बट यहाँ पर आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन मतलब कि ये आपका आर नॉट टू होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हुआ है जो कि आर नॉट टू रहेगा, मतलब कि क्योंकि आई टू है आर नॉट टू के फॉर्म में ही होगा, तभी आर टू अगर आर नॉट टू रहेगा तो आर टू प्लस के इंटू आर वन स्क्वायर लिख सकते हो, अगर आर नॉट टू रहेगा तभी, अदरवाइज आर नॉट वन है मतलब कि यहाँ पर आई वन स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आई टू स्क्वायर है तो यहाँ पर आर नॉट टू होगा, मतलब सेम यहाँ पर जहाँ जहाँ आर जहाँ जहाँ आपको वन गिवन है वहाँ वहाँ टू लिखना पड़ेगा दैट इज आर नॉट टू, सिमिलरली यहाँ पर भी आप आर नॉट टू हो जाएगा आर नॉट टू, ये हो जाएगा आर नॉट टू एंड सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा आर नॉट टू, मतलब कि पूरा आर नॉट वन जो लिया हूँ यहाँ पर वो यहाँ पर आर नॉट टू होगा, यहाँ पर जो आर नॉट वन यहाँ पर है वी टू आई टू कॉस फाइव टू वी टू आई टू कॉस फाइव टू प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस क्या लिया था आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट वन लिया था, बट अगर यहाँ पर आई टू है तो यहाँ पर होना चाहिए आर नॉट टू, तो आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू इसका डेरिवेटिव करोगे तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा आर नॉट टू, यहाँ पर आर नॉट टू है तो यहाँ पर भी आर नॉट टू होना चाहिए, यहाँ पर सेम यहाँ पर आर नॉट टू, नाउ इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका आर नॉट टू, ना इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आयरन लॉस मिलेगा दैट इज आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू राइट, एंड दिस इज फॉर द सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड मतलब कि सेकेंड है आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू मतलब सेकेंडरी साइड, तो फॉर प्राइमरी साइड के लिए क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी साइड, क्योंकि ट्रांसफार्मर में टू साइड्स होते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड के लिए आपको ये मिल गया, तो प्राइमरी साइड के लिए आयरन लॉस क्या हो जाएगा दैट इज आई वन स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, ये हो जाएगा फॉर प्राइमरी साइड के लिए, एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी साइड, ये क्या था आपका सेकेंडरी साइड के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू सेकेंडरी साइड, एंड दिस इज फॉर प्राइमरी साइड दैट इज आई वन स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, एंड आर नॉट वन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आर नॉट वन का वैल्यू होता है आर वन प्लस आर टू अपॉन के स्क्वायर, एंड आर नॉट टू का वैल्यू क्या होता है आर वन आर टू प्लस के स्क्वायर इंटू आर वन, दैट इज यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एक्चुअली मैं आगे आपसे बात करूंगा फॉर्मूला से रिलेटेड, बट यहाँ पर आपको बता देता हूँ आर नॉट टू इज इक्वल टू आर टू रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्लस के, के क्या होता है आपका टर्न्स रेशियो दैट इज के स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, ये आर नॉट वन कहाँ से मिलेगा आर नॉट वन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट इज आर नॉट वन इज इक्वल टू आर वन प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय दैट इज आर टू स्क्वायर आर वन प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये होगा आपका आर नॉट वन, एंड आर नॉट टू फाइंड करना है तो आर टू प्लस के स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, ये फॉर्मूला जो कि मैं आगे लेक्चर में आपसे और अच्छे से बात करूंगा कि आप कैसे याद कर सकते हो, बट यहाँ पर खाली ये याद रखिए कि आर नॉट टू क्या होता है आर टू प्लस के स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर इससे रिलेटेड तो आपको और अच्छे से बात करूंगा क्वेश्चन समझाऊंगा, तो वहां पर सबसे पहले फॉर्मूला से रिलेटेड बात करूंगा कि आर नॉट टू
ये होता है आर नॉट वन, ये होता है एन आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये सब से रिलेटेड आपको अच्छे से वहाँ पर बात करूँगा। बट यहाँ पर खाली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आयरन लॉस का फॉर्मूला होता है आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू फॉर द सेकेंडरी साइड के लिए, एंड फॉर प्राइमरी साइड के लिए क्या हो जाएगा, आयरन लॉस इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर इंटू आर नॉट वन। अब ना यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, अगर यहाँ पर मैक्सिमम इफिशियंसी करंट का फाइंड करना है तो फॉर प्राइमरी साइड के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड के लिए अदरवाइज सेकेंडरी साइड, तो लेट्स से सेकेंडरी साइड के लिए आपको करंट क्या मिल जाएगा, आई टू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका आर नॉट टू, ये वाला अगर आई टू के फॉर्म में लिखोगे तो। नाउ यहाँ से अगर आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाई आर नॉट टू एंड दिस इज ए स्क्वायर रूट, क्योंकि आई टू जब स्क्वायर अगर इसका करोगे तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज आयरन लॉस अपन आर नॉट टू, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कीजिए वी टू एंड डिवाइड कीजिए वी टू से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज वी टू इंटू आई टू, तो सेम यहाँ पर अगर यहाँ पर डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा वी टू स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय आर नॉट टू, राइट। ये मिल गया आपको, ये यहाँ पर क्या किया, सिंपली यहाँ पर आपने डिवाइड किया वी टू एंड आई टू से, यहाँ पर चाहे तो आप लिख दीजिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय वी टू, मल्टीप्लाई बाय वी टू वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो डिवाइड करोगे तो वी टी राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा वी टू रूट डब्ल्यू आई अपॉन आर नॉट टू, राइट। अब ये वी टू आई टू क्या होता है आपका, लोड किलो वोल्ट एम्पियर, ये क्या होता है, लोड वोल्ट एम्पियर, लोड वोल्ट एम्पियर, लोड वोल्ट एम्पियर दैट इज वी वोल्टेज होता है एन एम्पियर होता है, तो इसे किस फॉर्म में लिखोगे, लोड वोल्ट एम्पियर एंड दिस देन यहां पर क्या हो जाएगा, वी टू रूट ऑफ डब्ल्यू आई अपॉन आर नॉट टू। अब इसे चाहे तो आप इसको लोड किलो वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, ओनली क्या करना पड़ेगा आपको, वी टू दैट इज यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, आई टू से वी टू थे तो यहां पर आपको आई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू आई डिवाइड, यहां पर देखिए इसको अगर डिवाइड करोगे, यहां पर आई टू से डिवाइड करोगे तो अंदर रूट में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू, अगर इसे बाहर लेकर जाओगे तो आई टू गेट कैंसिल, तो सेम होगा, खाली यहां पर क्या किया मैंने स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया तो आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू मिल जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या होता है आपका वी टू आई टू, दिस इज डिवाइडेड बाय डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू सी यू कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस आपने यहां पर देखिए कॉपर लॉस क्या लिया था, यहां पर कॉपर लॉस आपने अज्यूम किया था आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू, राइट। तो यहां पर सेम आपको यहां पर मिला आई टू स्क्वायर, क्या किया आपने, आई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आर नॉट टू, तो आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू क्या होता है आपका कॉपर लॉस, तो ये हो गया लोड वोल्ट एम्पियर इज नथिंग बट वी टू आई टू डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू सी यू, तो यहां से आपको मिल गया लोड वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू लोड किलो वोल्ट एम्पियर इंटू आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर आप चाहे तो लिख दीजिए डब्ल्यू आई इज आयरन लॉस एंड डब्ल्यू सी यू इज अ कॉपर लॉस, तो यही होता है फ्रेंड्स लोड किलो वोल्ट एम्पियर टू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पियर, इसे वी टू आई टू, यहाँ पर जो वी टू आई टू रहेगा ये भी सेम वी टू आई टू है बट यहाँ पर लोड वोल्ट एम्पियर एंड दिस इज द लोड किलो वोल्ट एम्पियर, तो यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए आप यहाँ पर फुल लोड किलो वोल्ट एम्पियर, फुल लोड किलो वोल्ट एम्पियर, तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला आपको यूज इतना नहीं होगा बट फॉर्मूला जो आपको यूज होने वाला है वो फॉर्मूला कौन सा है आपका, दैट इज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी, ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि दैट इज एक्स इंटू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पियर, फुल लोड किलो वोल्ट एम्पियर इंटू पी एफ दैट इज अ पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय, सेम यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर क्या रहेगा एक्स इंटू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पियर इंटू क्या रहेगा आपका पावर फैक्टर, खाली यहां पर देखिए यहां पर एक चीज जो कि ऐड करना पड़ेगा यहां पर दैट इज आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस, परसेंटेज है मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज होने के कारण क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा जो कि परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी से रिलेटेड फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है आपका, एक्स इंटू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इंटू पावर फैक्टर प्लस डब्ल्यू वाई एक्स स्क्वायर इंटू डब्ल्यू सी यू, मतलब आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस इंटू 100। यहाँ पर एक्स क्या होता है आपका, एक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक्स इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एक्चुअल टू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर, मतलब एक्स क्या होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल टू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्चुअल टू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर, ये हो गया आपका एक्स। एंड फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर होता है आपको जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पावर फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन रहेगा तो आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता होता है कॉस फाइव होता है, डब्ल्यू वाई गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आयरन लॉस कॉपर लॉस गिवन रहेगा, एक्स भी गिवन रहेगा, दैट इज एक्स का किस फॉर्म में गिवन रहेगा आपको ऐसा पूछ सकता है, इफिशियंसी एट अ फुल लोड, इफिशियंसी एट अ फुल लोड मतलब कि एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका फुल लोड, मतलब एक्स का वैल्यू वन रहेगा। अगर एक्स एक्स अगर पूछा जाएगा इफिशियंसी एट अ हाफ लोड तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा 0.5, तो ऐसे आप अज्यूम करके ले सकते हो। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको अच्छे से बताऊंगा, खाली आप ये समझिए कि आपको इफिशियंसी क्या होता है एंड उसका डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम फाइंडिंग द मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है। तो एक बार देख लीजिए कि एफिशियंसी एक्चुअल में कैसे फाइंड किया गया। इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, इट इज जॉइंटेड बाय ईटा आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इनपुट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो आउटपुट प्लस लॉसेस, लॉसेस क्या होता है आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। सिमिलरली फॉर ऑल्सो यू कैन राइट दिस ईटा इज कॉल्ड इनपुट माइनस लॉसेस, आउटपुट को चेंज किया आपने इनपुट माइनस लॉसेस, तो इनपुट माइनस आयरन माइनस कॉपर। तो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम इफिशियंसी, यहाँ पर अगर मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करना है तो आपको पता है ईटा इज कॉल्ड क्या होता है आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट इनपुट पावर, तो इनपुट को किस फॉर्म में लिख सकते हो आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आपको पता है आउटपुट पावर क्या होता है वी टू आई टू कॉस फाइव टू, ऑब्वियसली आउटपुट पावर क्या होता है वी टू आई टू कॉस फाइव टू, अगर नहीं पता होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा वी टू आई टू कॉस फाइव टू होता है एंड डिवाइडेड बाय वी टू आई टू कॉस फाइव टू प्लस लॉसेस क्या होता है आयरन प्लस कॉपर, आयरन ये होता है कॉपर क्या होता है आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू, यहाँ पर आर नॉट वन लिखा था तो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर आर नॉट टू रहेगा क्योंकि सेकेंडरी करंट लिया है तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस भी होगा तो आर नॉट टू। अब फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डी नीटा अपॉन डी आई टू, किसके रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखिएगा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है आई टू के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होता है डी नीटा अपॉन डी आई टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू बाय वी का डेरिवेटिव सेम किस फॉर्म में बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस U इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो I2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये मिलेगा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हूं तो इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर एक बार जीरो हो गया तो आपको किस फॉर्म में मिलेगा ये मिलेगा राइट, ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे दैट इज वी टू आई टू कॉस वी टू कॉस फाइव टू कॉमन लोगे, दोनों जगह से अगर वी टू कॉस फाइव टू कॉमन लोगे दैट इज वी टू कॉस फाइव टू कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा एंड यहाँ पर अगर आई टू बचेगा तो आई टू का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर सेम वी टू आई टू कॉस फाइव टू गेट कैंसल प्लस माइनस का तो दिस इज डब्ल्यू आई प्लस आई टू स्क्वायर आर नॉट टू माइनस टू आई टू आर नॉट टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दिस, इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो आयरन लॉस क्या मिल जाएगा आई टू स्क्वायर इंटू आर नॉट टू, दिस इज आयरन लॉस एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी साइड, क्यों सेकेंडरी साइड है क्योंकि आर नॉट टू एंड दिस इज आई टू के फॉर्म में, मतलब ये सेकेंडरी साइड में, तो प्राइमरी साइड में अगर लाना है इसे तो सेम क्या करना है स्लिप आई टू की जगह पे आई वन लाना है आई वन इंटू आई वन स्क्वायर इंटू आर नॉट वन। आर नॉट टू एंड आर नॉट वन कैसे मिलेगा आपको, आर नॉट टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू अपॉन के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दैट इज आर ये फॉर्मूला एंड आर नॉट टू का वैल्यू होता है आर टू प्लस के स्क्वायर इंटू आर नॉट वन। तो यहाँ पर याद रखिएगा आर नॉट वन फाइंड करना है तो आर नॉट आर वन प्लस आर टू यहाँ पर स्क्वायर नहीं है आर टू अपॉन के स्क्वायर, सेम आर नॉट टू फाइंड करना है तो आर टू प्लस के स्क्वायर इंटू आर नॉट वन, जो कि मैं ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड एंड जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब। यहाँ पर प्राइमरी साइड आपको ये मिल जाएगा, नाउ आपको क्या करना है इसको रीअरेंज करना है तो आई टू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय आर नॉट टू, तो आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा एंड देन स्क्वायर रूट में आने के बाद वी टू आई टू क्या किया आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया वी टू से, यहाँ पर हो जाएगा वी टू आई टू इंटू वी टू रूट ऑफ डब्ल्यू आई अपॉन आर नॉट टू, क्या हो जाएगा दिस इज लोड वोल्ट एम्पीयर एंड दिस इज द वी टू
V2 I2 को लोड और एम्पियर लिखोगे एंड दिस इज अ V2 स्क्वायर रूट ऑफ WI अपॉन R02 राइट। अब ना यहाँ पर R02 है तो क्या कीजिए V2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर V2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर I2 से यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी I2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया V2 I2 डिवाइड I2 को अंदर अगर रूट के अंदर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर बराबर I2 स्क्वायर हो जाएगा। तो I2 स्क्वायर इंटू R02 क्या होता है W कॉपर, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने यूज किया था कॉपर लॉस में कि WCU क्या होता है आपका I2 स्क्वायर इंटू R02 राइट। तो लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस V2 I2 इज नथिंग बट फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इंटू WI अपॉन W कॉपर। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इज इक्वल टू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर स्क्वायर रूट ऑफ WI अपॉन W कॉपर। किसी फॉर्मूले आपको में यूज करना पड़ेगा तो आपको वहां पर यूज होगा, बट यहाँ पर मोस्टली आपको जो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्स इंटू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर इंटू पावर फैक्टर प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर इंटू W कॉपर। एक्स क्या होता है आपका रेशियो ऑफ एक्चुअल टू फुल लोड किलो वोल्ट एम्पीयर मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए किया क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 किया। बहुत इजी फॉर्मूला है, देखिए जो ऊपर है सेम यहाँ पर रहेगा, खाली यहाँ पर आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस होगा, जो कि आयरन एंड कॉपर लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको और अच्छे से बात करूंगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं स्टॉप करता हूँ, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा रिलेटेड टू इफिशियंसी ऑफ अ गिवन ट्रांसफॉर्मर। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू, तब तक के लिए बाय।